ये 6 फैक्ट्रियां देखी थी, हमने इन्हें फैक्ट्रियां बोला था, लेकिन असल में ये कोशिकांग हैं या ऑर्गेनल्स हैं जिनके आज हम अभी नाम देखेंगे और इनका रूप भी देखेंगे। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण है क्लोरोप्लास्ट, हरे रंग का ये डब्बी जैसा पौधों के अंदर होता है, जो कि फैक्ट्री नंबर 1 बोली गई थी। ये पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट लेकर ग्लूकोज बना सकता है और बाकी ऑक्सीजन छोड़ता है। पूरी दुनिया में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदलने का काम केवल यही कर सकता है, और इसी तरह सूरज की रोशनी का बेहतर इस्तेमाल, उसको सोख के उसका बेहतर इस्तेमाल, उसको पकड़ सकने का काम यही कर सकता है। इसलिए पूरे पूरे पृथ्वी में जीवन के पीछे क्लोरोप्लास्ट है। इसके अंदर हरे रंग का पदार्थ क्लोरोफिल है, जिसका नाम आपने सुना होगा कि क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण करता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माइक्रोस्कोप के नीचे क्लोरोप्लास्ट कैसा नजर आता है, और यहाँ पर एक आर्टिस्ट के बनाए चित्र में सिक्कों की ढेरी जैसा दिख रहा है, जो कि एक डब्बी जैसी के अंदर बंद है। ये देखने में बहुत खूबसूरत भी होता है। ये इसका असल फोटो है एक माइक्रोस्कोप के नीचे। आपको क्लोरोप्लास्ट की ये गोल 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 डिब्बियां दिख रही हैं, और आप देख सकते हैं ये ढेर सारी हैं, क्योंकि पौधे को बहुत सारा ग्लूकोज बनाना है। ग्लूकोज को एनर्जी के लिए भी इस्तेमाल करना है, और फैट और प्रोटीन आदि और दूसरी चीजें बनाने के लिए भी इस्तेमाल करना है। पौधे की सारी बॉडी भी उसी से बनेगी, इसलिए ढेरों ग्लूकोज चाहिए। इसलिए क्लोरोप्लास्ट बहुत सारा है, और कितना खूबसूरत ये सिक्कों जैसा है। और ये प्रकाश जिस तरफ जाता है, सूर्य का प्रकाश जिस तरफ जाता है, ये गोलियां उस तरफ चलती फिरती भी हैं, हिलती डुलती भी हैं। तो ये रहा क्लोरोप्लास्ट। अगला, जो बने हुए ग्लूकोज में से वापस एनर्जी निकालता है सेल के लिए, वो पावर हाउस का काम करता है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटो का मतलब एनर्जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को लेके ऑक्सीजन के साथ मिलकर फिर वापस एनर्जी निकाल लेता है। पानी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया जाता है, और जो एनर्जी है वो एटीपी नाम के एक छोटे मॉलिक्यूल में पकड़ के बंद करके रख ली जाती है बाकी आगे इस्तेमाल के लिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे तो ऐसा दिखता है, जैसे जिसमें जाली 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 जैसी दिख रही है, जो कि असल में सलवटों वाला एक मेम्ब्रेन या झिल्ली है, जहां पे यह सारी प्रक्रिया होती है, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया, यानी ग्लूकोज से वापस से एनर्जी निकाली जाती है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराती है। तो ये बंद डब्बे की तरह होता है, यहाँ पे इसकी काट दिखाई गई है, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये ग्लूकोज से वापस एनर्जी निकालता है सेल के उपयोग के लिए। अब हम आते हैं फैट बनाने वाली फैक्ट्री 3 पे। इसकी शक्ल इस तरह की है, ये ग्लूकोज लेती है, उसको तोड़ के उससे फैट बनाती है, और इसका नाम है स्मूथ यानी चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या SER। रेटिकुलम का मतलब जाली। तो ये एक जाली जैसी है, जो कि ग्लूकोज को फैट में बदलती है। ये माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसी दिख रही है, और ये इसका आर्टिस्ट का बनाया चित्र है SER का। तो इसी जाली में अगर दाने दाने लग जाते हैं, तो बनता है अगला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या RER, जो हमारी फैक्ट्री 4 थी, जिसने ग्लूकोज लिया और नाइट्रेट्स लिए और उनसे बनाए प्रोटीन्स। ये बनाने का काम यहाँ पे, ये जो दाने दाने लगे हैं, ये दाने ही कर रहे हैं। इन दानों को राइबोसोम्स बोला जाता है, और ये न्यूक्लियस से निर्देश या इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं कि कौन सा प्रोटीन बनना है। तो ये हुई हमारी 4 फैक्ट्रियां। अब ये यहाँ पे माइक्रोस्कोप के नीचे दिखा रखा है RER, जिसपे गोलियों जैसे दाने लगे हुए हैं, राइबोसोम्स, और ये उसका आर्टिस्ट का चित्र है, जैसे कि अभी कटा हुआ दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे पत्ता गोभी कटी हुई हो, और ये प्रोटीन बना रहा है। अब बची फैक्ट्री 5। तो फैक्ट्री 5 ने ग्लूकोज, प्रोटीन्स, फैट्स आदि लेके नए मॉलिक्यूल बनाए, और इन्हें कहा जाता है गोल्जी बॉडीज। ये जैसे कटी हुई है, लेकिन ये असल में चपातियों के ढेर
या कुलचे या भटूरों के ढेर जैसी है, और इसके बाहर ये गोल गोल जो है इनमें बने हुए नए मॉलिक्यूल आगे भेज दिए जाते हैं। तो ये रहा एक गोल्जी बॉडीज माइक्रोस्कोप के नीचे कैसी दिखती है, और यहाँ पे आर्टिस्ट ने उसका स्वरूप बनाया हुआ है। तो ये चपातियों का ढेर, एक साइंटिस्ट गोल्जी के नाम पे इसका नाम है गोल्जी बॉडीज। और आखिरी छठी फैक्ट्री जो व्यर्थ पदार्थों को फिर से इस्तेमाल करती है वो है लाइसोसोम। गोले गोले जैसा होता है, यहाँ पे आपको जो ये काले गोले दिख रहे हैं वो लाइसोसोम है माइक्रोस्कोप के नीचे, और ये आर्टिस्ट ने इसको फल जैसा बनाया है। ये है लाइसोसोम या हमारी फैक्ट्री 6, जो व्यर्थ पदार्थों का इस्तेमाल करती है या उन्हें पचाती पचा देती है। ये रही हमारी पूरी सेल, कटी हुई दिखाई गई है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक और गोल न्यूक्लियोलस होता है, इसको भी हम देखेंगे। बाकी यहाँ पे आपको सारा RER दिख रहा है जो रफ है, गोलियां लगी हुई हैं, और यहाँ पे SER जो स्मूथ है, चिकना है, तो ये बना रहा है फैट, ये बना रहा है प्रोटीन। और ये रही गोल्जी बॉडीज, और ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी निकाल रहा है, और ये रहा आपका लाइसोसोम। और इसमें अभी फिलहाल क्लोरोप्लास्ट नहीं दिखाया गया है। अब हम देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यहाँ पे सेल्स का असली न्यूक्लियस माइक्रोस्कोप के नीचे रंग के साथ दिखाया गया है, रंग करके। और यहाँ पे एक न्यूक्लियस दो हिस्सों में टूट के दो सेल भी बना रहा है। यहाँ न्यूक्लियस की गोली न्यूक्लियोलस दिख रही है, और ये है DNA जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हम आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल का अंतर दिखा रहे हैं। प्लांट सेल की एक निश्चित शेप होती है जो सेल वॉल से मेंटेन की जाती है, एक मोटी सेल वॉल होती है जो एनिमल सेल में नहीं होती। यहाँ पे वैक्यूल या थैली ज्यादा बड़ी है पानी भरने के लिए, यहाँ पे छोटी है। और प्लांट में क्लोरोप्लास्ट हैं जो कि यहाँ पे नहीं है, बाकी सब कुछ काफी कुछ एक जैसा है। यहाँ पर हम आपको यूकैरियोटिक सेल बता रहे हैं जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनल या कोशिकांग हैं या अंगक हैं, लेकिन ये बाद में पृथ्वी पे बाद में आई हुई कोशिकाएं या सेल हैं। पृथ्वी में शुरुआत में प्रोकैरियोटिक सेल थी, प्रो का मतलब पहले, जो न्यूक्लियस के आने से पहले की सेल्स थी। इन सेल्स में न्यूक्लियस नहीं था, केवल DNA था, और अंदर साइटोप्लाज्म भरा था और बाहर इसका कवर था। तो बैक्टीरिया आदि की सेल ऐसी ही होती हैं, ये बहुत शुरुआती कोशिकाएं हैं, और ये बाद की ज्यादा विकसित कोशिकाएं हैं जो ज्यादा जटिल काम कर सकती हैं। तो इसी के साथ हमारा ये कोशिकाओं का कहानी खत्म होती है।